दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से, और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और चलते हैं हम अपनी न्यूज़ पे, जो आज की हमारी खबर है। और बिल्कुल आपने सही सोचा, एक बहुत बड़ी खबर आप लोगों के लिए आ चुकी है। और एग्ज़ाम के लिए पूरी की पूरी संभावना जो है वो जुलाई की है। मैं आपको सीधा बता देता हूँ और सीधा लेके चलता हूँ बिना टाइम वेस्ट के उस न्यूज़ की तरफ। देखिए, CCSU की वार्षिक परीक्षाएँ 2 जुलाई से, ठीक है। तो देखिए, अब आप लोग हो जाइए प्रिपेयर, हो जाइए तैयार। और जो CCSU की जो एग्ज़ाम्स हैं, मैंने कल भी आपको बताया कि कल जो नोटिफिकेशन ऑलरेडी CCSU की वेबसाइट पे आया था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, वहाँ भी ये बात बताई गई थी कि 1 जुलाई से परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, ठीक है। और अभी जो आज की न्यूज़ है वो ये है कि CCSU की जो वार्षिक परीक्षाएँ हैं वो 2 जुलाई से हैं। एक बार देख लेते हैं और फिर इस बात को बहुत आराम से, एकदम कूल माइंड से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कॉलेजों में वार्षिक प्रणाली के कोर्सों की परीक्षाएं 2 जुलाई से शुरू होंगी। यानी कहने का मतलब, जो आपके ईयरली एग्जामिनेशन है वो 2 जुलाई से शुरू होंगे। विश्वविद्यालय 3 दिन के अंदर परीक्षा कार्यक्रम जारी कर देगा। तो पॉइंट, हम एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे। देखिए, अभी फिलहाल जो न्यूज़ है वो यह न्यूज़ है कि जो यूनिवर्सिटी है वो आपके एग्ज़ाम्स को करा रही है 2 जुलाई से। तो पहले हम एक एक चीज़ को समझना शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट को। तो आपकी जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि जो एग्ज़ाम की डेट बताई है यूनिवर्सिटी ने, वो बताई है कि 2 जुलाई से वो एग्ज़ाम्स करा सकती है, ठीक है। ईयरली एग्जामिनेशन जो होंगे वो 2 जुलाई से होंगे। अब एक एक चीज़ को हम यहाँ पर नोट करते चलेंगे। द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों की परीक्षाएँ कराई जाएंगी। विश्वविद्यालय 3 दिन के अंदर परीक्षा कार्यक्रम जारी कर देगा और सेकंड और थर्ड ईयर के छात्रों की परीक्षाएं कराई जाएंगी। यानी कहने का मतलब, अब आपको 2 से 3 दिन में, 2 से 3 दिन के अंदर आपको शेड्यूल मिल जाएगा, टाइम टेबल मिल जाएगा एग्ज़ाम्स का, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार एग्जैक्टली एग्ज़ाम्स कब से स्टार्ट होंगे। जुलाई में, यदि 2 जुलाई से होंगे तो कौन सा पेपर किस दिन होगा, ठीक है। और यदि थोड़ा भी और आगे पीछे होते हैं तो वो भी आपको 2 से 3 दिन के अंदर पता चल जाएगा। और यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि विश्वविद्यालय 3 दिन के अंदर परीक्षा कार्यक्रम तो जारी कर देगा। और देखिए यहाँ पर द्वितीय, हाँ जी बिल्कुल, सेकंड ईयर वालों की तो नींद ही उड़ी पड़ी है, मैं कल से देख रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो परेशानी में है वो है UG सेकंड ईयर वाले बेचारे, क्या ही कर सकते हैं भाई, ठीक है। द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों की परीक्षाएँ कराई जाएंगी। और साथ ही साथ एक और चीज़ समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी। देखिए, BEd फाइनल ईयर की परीक्षाएँ सेप्टेम्बर से होंगी। फिर सुन लीजिए, कल काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि BEd फाइनल की एग्जामिनेशन कब से होंगे, तो याद रखिएगा। देखिए, BEd फाइनल वालों के, जो BEd सेकेंड ईयर वाले हैं, तो BEd फाइनल ईयर वालों के जो एग्जामिनेशन है वो कब से कब में होंगे, वो कब से शुरू होंगे, वो होंगे सेप्टेम्बर से। जब ये ईयरली एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाएंगे वो सेप्टेम्बर से शुरू होंगे BEd फाइनल ईयर वालों के, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यदि अभी भी आपको नई चीज़ समझ में आ रही है तो भाई फिर कमेंट कर सकते हैं आप लोगों को, मैं और चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। BEd फाइनल ईयर की परीक्षाएं 1 सितंबर से होंगी। रजिस्ट्रार जो हैं धीरेंद्र वर्मा ने बताया कि 2 जुलाई से परीक्षा कराने को पूरा कार्यक्रम बनाया जा रहा है। जो रजिस्ट्रार हैं CCSU के, धीरेंद्र कुमार वर्मा, उन्होंने ये बताया कि 2 जुलाई से ही परीक्षा कराने का पूरा कार्यक्रम बनाया जा रहा है। पहले से बनाए गए केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षाएं कराई जाएंगी। इसमें UG में सेकेंड ईयर यानी अंडर ग्रेजुएट में सेकेंड ईयर वालों की, ठीक है, सेकेंड ईयर BA, सेकेंड ईयर BCOM, सेकेंड ईयर BSc और तृतीय वर्ष एवं PG में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएंगी। वापस समझिए ध्यान से, देखिए अंडर ग्रेजुएट यानी स्नातक, UG में जितने भी कोर्सेज हैं सेकेंड ईयर वाले, ठीक है, वार्षिक परीक्षाएं सेकेंड ईयर वालों के एग्जामिनेशन होंगे, इसके अलावा UG में थर्ड ईयर यानी फाइनल ईयर वालों के एग्जाम होंगे, और इसके अलावा PG फाइनल ईयर वालों के यानी सेकेंड ईयर वालों के एग्जाम होंगे, ठीक है। ये बात पॉइंट करते हुए चलेगा, नोट करते हुए चलेगा, क्योंकि बाद में फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें वापस देख लेते हैं, इनमें यूजी में द्वितीय और तृतीय वर्ष की और पीजी में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएंगी, ठीक है। चलिए, BEd द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं खत्म होने के बाद कराई जाएंगी। जो BEd सेकेंड ईयर की जो एग्जामिनेशन है ना, जो BEd के सेकेंड ईयर वालों के पेपर हैं या BEd फाइनल ईयर वालों के पेपर जो हैं, जब ये वार्षिक परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी, यानी कहने का मतलब, जब ये UG सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर और
पीजी फाइनल के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद परीक्षाएं कराई जाएंगी किसकी, बीएड सेकंड वर्ष की, बीएड द्वितीय वर्ष वालों की परीक्षाएं कराई जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बता रखी है, यहाँ पर चीज़ ये बता रखी है कि देखिए बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं की परीक्षाएँ होंगी या इन्हें भी प्रोन्नत किया जाएगा, ये बात पहली पॉइंट तो ये नोट करिए, देखिए यहाँ से समझिए इस बात को, बीएड प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं की परीक्षाएं होंगी या इन्हें भी प्रोन्नत किया जाएगा, ये क्वेश्चन है, मतलब ये एक तरह का क्वेश्चन उठ रहा है। और इसके अलावा सम सेमेस्टर की परीक्षाएं वार्षिक परीक्षाओं के साथ कराई जाएंगी या इन्हें अगस्त में कराया जाएगा, इतनी बात पर इन सभी निर्णयों पर 15 जून को होने वाली परीक्षा समिति की बैठक में मोहर लगेगी। कहने का मतलब ये है, समझ, मेरे कहने का मतलब ये कि जो बीएड फर्स्ट ईयर वाले हैं, बीएड फर्स्ट ईयर वाले हैं, उनके एग्जाम जो हैं वो कराए जाएंगे, ठीक है, या इनको प्रोन्नत किया जाएगा, और साथ ही साथ सम सेमेस्टर यानी इवन सेमेस्टर जो सेमेस्टर वाले कोर्स हैं, सम सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं इनके विषय में भी कब डिसीजन लिया जाएगा, 15 जून को बैठक होगी, 15 जून को होने वाली बैठक में इनका डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं, आराम से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, बीएड प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं की परीक्षाएं होंगी या इन्हें भी प्रोन्नत किया जाएगा, और इसके अलावा सम सेमेस्टर की परीक्षाएं वार्षिक परीक्षाओं के साथ कराई जाएंगी या इन्हें अगस्त में कराएं, इस बात के ऊपर जो डिसीजन होगा वो 15 जून को होने वाली परीक्षा समिति की बैठक में मोहर लगेगी। जल्द ही पूरा परीक्षा कार्यक्रम CCSU की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि UG में 110,137 छात्र छात्राएं हैं, इनको प्रोन्नत किया जाएगा फर्स्ट ईयर वाले जो हैं, UG सेकंड ईयर में 130,447, फाइनल ईयर में 134,645 छात्र छात्राओं की इनकी परीक्षा होनी है, और PG प्रथम वर्ष में 24,374 छात्रों को प्रोन्नत किया जाएगा, यानी PG फर्स्ट ईयर वालों को और UG फर्स्ट ईयर वालों को प्रोन्नत किया जाएगा, ठीक है, ये कुल मिला के अब तक की कहानी रही है। और आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है, जो समर वैकेशन है, वो 10 से 30 जून तक कैंपस कॉलेजों में समर वैकेशन घोषित हो चुका है, ये बात तो मैं कल ही बता चुका हूँ, नोटिफिकेशन भी आ चुका है, और उस नोटिफिकेशन में CCSU ने 1 जुलाई से, जो कल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें 1 जुलाई से ऐसा बताया था कि जो परीक्षाएं प्रस्तावित हैं वो 1 जुलाई से हैं, लेकिन अभी जो कही खबर आ रही है कि 2 जुलाई से आप लोगों के एग्जामिनेशन हो सकते हैं, तो समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, ठीक है, मुश्किल से 20 दिन का वक्त अभी बाकी है, तो अभी जो न्यूज़ है वो यही है। अच्छा, अब बात आती है कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं, जैसे BA LLB है, BCom LLB है। देखिए अभी मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ उस विषय में, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जैसे BA LLB है या और भी बहुत सारे जो कोर्सेज हैं, तो सेमेस्टर कोर्सेज में के संबंध में अभी क्लैरिटी बहुत कम है, यदि मैं अपनी तरफ से कुछ कह दूँ उससे कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए अभी भी आप देख पा रहे हैं कि अब तक यही खबरें थी कि बीएड फर्स्ट ईयर वालों को भी प्रमोट किया जाएगा, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, यूनिवर्सिटी इस बात का डिसीजन 15 जून को लेगी कि बीएड फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट किया जाए या नहीं किया जाए। ऐसे ही जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ठीक है, जो यूजी में हैं और उनमें सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, उनके विषय में अभी डिसीजन होगा, ठीक है, तो अभी एकदम पूरा कंफर्म नहीं है कि उनके विषय में कोई भी बात बोल दिया, लेकिन यदि अभी शासन के आदेश को यदि मानते हम चलें तो उनके अनुसार ऐसा कहा गया है कि सेमेस्टर वाले केवल और केवल जितने भी फाइनल ईयर में जो सेमेस्टर एग्जाम होने हैं, ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल फाइनल ईयर वाले सेमेस्टर एग्जाम्स हैं वो तो देंगे, बाकी इसके अलावा यदि कोई फाइनल ईयर में नहीं है, यदि फाइनल ईयर के अलावा उनके सेमेस्टर एग्जाम्स नहीं है तो वो उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, जिनके पीछे जो पिछले वाले जो सेमेस्टर हुए हैं उनके आधार पर उनको इस वाले सेमेस्टर के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, ऐसा तो अभी तक की जो खबर है, जो ऐसा जो अभी तक का जो शासनादेश है उसके अनुसार है, ठीक है, लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी क्या डिसीजन लेगी भाई, ये डिसाइड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, ठीक है, अपनी तरफ से मैं कोई भी बात नहीं बोल सकता, क्योंकि देखिए रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं अपनी तरफ से लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखिए लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर वाले प्रमोट होंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, यूनिवर्सिटी ये कर रही है कि 15 जून को वो लोग डिसाइड करने जा रहे हैं, हो सकता है हो जाए प्रमोट फर्स्ट ईयर बीएड फर्स्ट ईयर वाले, लेकिन अभी तो ऐसा कहा है ना यूनिवर्सिटी ने कि हम 15 जून को डिसीजन लेंगे इस बात का, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी क्लियर नहीं हैं, और ये क्लियर कब होंगी, जब CCSU आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भेज देगा, तब तक कुछ भी कहना अपने आप में एक अतिशयोक्ति होगी, ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को जो मैंने बात समझाई है वो समझ में आई होगी, तो फिर हम जैसे ही नया अपडेट आता है तुरंत आपके सामने उसको लेकर के उपस्थित हो जाएंगे। आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।